चलिए देखते हैं। अभी ये कॉमिक कॉन में 4 घंटे पहले ही रिलीज हुआ था एंटमैन लेगेसी का फर्स्ट लुक, तो देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेलर या टीजर तो लिखा नहीं है और इन्होंने स्पेशल लुक के नाम से रिलीज करा है। चलिए देखते हैं। मार्वल इंट्रो के साथ इंट्रोडक्शन। Scott, I need you to be the Ant-Man. You have a chance. यार ये भी मूवी बहुत कर रही होने वाली है सही में। जैसे वॉल्यूम 3 कर रही होने वाली है, थर्ड मूवी है, ऐसे ये भी कर रही होने वाली है। इसकी तो स्टोरी लाइन भी बेस्ट बताते हैं। She already thinks you are. ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, साउंड ऐसा क्रिएट हो रहा है पीछे से। Second chances don't come around all that much. ये पीछे जो साउंड बज रहा है ना, इसको हेडफोन से सुनिएगा, देखिए अलग ही फील होगा। Time works differently in the quantum realm. What if we could enter at a certain point in time? अब लग रहा है कि शायद एवेंजर्स मूवी की शुरुआत हुई है कैंग डायनेस्टी की। ये वही साउंड है जो बजा था कैंग डायनेस्टी के लिए इंट्रोडक्शन में। Not everybody gets a chance to save the world. Avengers! Assemble. उसको नया दिखाओ। वो वो वो। भाई साउंड बहुत कर रहा है जरा पीछे। This फरवरी अब आया। ये तो पुरानी सीन है। Scott Lang. Your reality. Everything you're holding on to. I know how it ends. Yeah, if you leave. Ant-Man. कुछ अच्छा नहीं था यार। स्पेशल लुक क्या था? सारे सीन तो पुराने थे इसमें। क्या यार, मुझे लगा कि कुछ अच्छा सा रिलीज करेंगे ये लोग और अच्छा होगा। मैं सुबह सुबह नहीं उठा इसके चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा खास नहीं था फिर भी। हाँ, एंटमैन 3 की स्टोरी लाइन सबसे बेस्ट होने वाली अब तक की, यही अपडेट है। और वॉल्यूम 3 में कोई कैरेक्टर मरने वाला है, तो होप देखते हैं क्या होता है आने वाले फेज 5 में। और इस मूवी से कैंग डायनेस्टी की 100% डेफिनेटली स्टार्टिंग होने वाली है, और टोटली अब हमें एवेंजर्स के ही रेफरेंस देखने को मिलेंगे कैंग डायनेस्टी के फेज 5 में।